इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट जिसने कैप्चर कर रखा है वो है ओला इलेक्ट्रिक। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के साथ भी काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या, सर्विस इश्यूज आते हैं कि यार सर्विस प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है, हम अगर सर्विस पे दे रहे हैं स्कूटर तो टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि यार इतने ज्यादा हाइपर चार्जर अवेलेबल नहीं है जितने दूसरी कंपनीज के हाइपर या कहें या फास्ट चार्जर अवेलेबल है। और फिर काफी सारे लोगों का एक डाउट होता है, काफी सारी कंपनियां जो कि 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है बैटरी के ऊपर, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ 3 साल की प्रोवाइड करती है। वहीं कुछ लोग जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं जिनको चाहिए थोड़ी हाई रेंज और प्राइस भी कम, तो ओला इलेक्ट्रिक ने अभी रिसेंटली एक इवेंट किया है उसके अंदर इन चारों ही चीजों का सॉल्यूशन आज ओला इलेक्ट्रिक लेके आ चुकी है। ओला इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली एक इवेंट किया, उस इवेंट के अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें बताई है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज ओला S1X जो कि हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं ना कि ओला S1X कब आएगा जिसमें फिजिकल की मिलने वाली है, जो कि 2 किलोवाट आवर 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला। अभी तक तो रिजर्व के लिए चल रहा था लेकिन अब आप उसको परचेज भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे 2 किलोवाट आवर 3 किलोवाट आवर के साथ में अब 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला भी वेरियंट इन्होंने लॉन्च कर दिया है जिसकी एक्चुअल रेंज 165 किलोमीटर है इको मोड के ऊपर। मुझे लगता है 165 अगर कंपनी बता रही है रियल वर्ल्ड रेंज, मुझे लगता है 150 के आसपास मिल जाएगी। लेकिन प्राइस काफी अच्छा लगा मुझे, 1,09,999 के अंदर 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक, मतलब और कोई कंपनी इतना बैटरी पैक प्रोवाइड नहीं कर रही है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। फिर सेकंड चीज, इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है सर्विस के अंदर। अभी तक इनका कहना है कि हमारे पास 400 से ज्यादा सर्विस नेटवर्क है या फिर सर्विस सेंटर्स है जिनको हम 50% और बढ़ा रहे हैं, मतलब अप्रैल के एंड तक ये लगभग 600 सर्विस सेंटर तक पहुंच जाएंगे, तो टोटल इनके 600 सर्विस सेंटर्स हो जाएंगे। फिर और जो चीज यहाँ पे इंप्रूव की जा रही है वो है इनके चार्जिंग नेटवर्क, जो कि अभी तक ये बोल रहे हैं कि हमारे 1000 चार्जिंग नेटवर्क है। 1000 चार्जिंग नेटवर्क में हाइपर चार्जर तो काफी कम है, जो नॉर्मल चार्जर होता है ना 750 वॉट वाला जो चार्जर है, वो चार्जर्स काफी सारे जितने भी ओला एक्सचेंज सेंटर है ना वहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि एक होल्डर लगा देते हैं, उस होल्डर के अंदर चार्जर लगा दिया, वहाँ से आप जाके चार्ज कर लो। लेकिन वहाँ से चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, वही टाइम ना 5-6 घंटे। अगर हम 5-6 घंटे में 100% थोड़ी चार्ज करेंगे, हमारे को रिक्वायरमेंट है हाइपर चार्जर की, यार हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में पैसा खर्च किया है, हमारे को टेंशन ना रहे। जैसे मान लो मैं अजमेर रहता हूँ, अजमेर से मुझे जयपुर जाना है, मुझे पता है कि बीच के अंदर बंद हो जाएगी व्हीकल क्योंकि इतना ट्रेवल तो नहीं कर सकती ना, चाहे मेरे पास ओला S1 Pro ही क्यों ना हो, क्योंकि यार हाईवे पे चला रहे हैं 60-70 की स्पीड पे तो चलाएंगे ही। तो जो हाईवे के बीच के अंदर चार्जर्स होने चाहिए जिससे माइंड में ये डाउट नहीं रहे कि यार हमारे को 100-150-200 किलोमीटर भी ट्रेवल करना है तो हमारे को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, 5-6 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। तो वे सी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की तरफ ओला भी काम कर रही है। तो ओला का ऐसा कहना है कि जो 1000 चार्जर्स है उनको हम लेके जाएंगे 10000 चार्जर्स के ऊपर, तो 10000 फास्ट चार्जर या फिर 10000 हाइपर चार्जर ये अब अवेलेबल करवाने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब जून के एंड तक। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे भी वीडियोस के अंदर काफी बार कमेंट आता है कि यार इनकी जो बैटरी लाइफ है 3-5 साल बाद क्या होगा, बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, हम तो पेट्रोल ले लेते हैं उसकी रीसेल वैल्यू तो अच्छी मिलेगी। लेकिन नहीं, अभी जो इन्होंने मतलब ऑफर किया है ना, मुझे सुन के सच में अच्छा लगा है, 8 साल या फिर 80,000 किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं ये। तो अब 8 साल तक हम बिना टेंशन के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला सकते हैं, और 8 साल में तो मेरा मानना है जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया ना इलेक्ट्रिक व्हीकल में उससे ज्यादा, मतलब उसका डबल हम वहाँ पे पैसा बचा पाएंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप मुझे लगा है 8 साल या फिर 80,000 किलोमीटर वाला। और इसके अंदर आप अगर 1,00,000-1,25,000 किलोमीटर की वारंटी भी लेना चाहते हो तो वो वहां पे आपको ऑफर की जा रही है कि आप परचेज कर सकते हो। और साथ में उन लोगों के लिए भी यहाँ पे इन्होंने एक नया प्रोडक्ट ऑफर किया है, प्रोडक्ट कहें या फिर एक नया चार्जर ऑफर किया है जो कि लगभग 30,000 रुपए का चार्जर है। तो 0-100 आपको चार्ज करके दे देगा लगभग 1 घंटे के आसपास में। तो जो इनके 10,000 फास्ट चार्जर इंस्टॉल्ड होने वाले हैं पूरी कंट्री के अंदर, वो चार्जर आप अपने घर में भी इंस्टॉल करवा सकते हो सिर्फ 30,000 रुपए के अंदर। तो ये बेनिफिट है ना उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन जो अपार्टमेंट में रहते हैं। अगर एक अपार्टमेंट के अंदर मान लो 10-12 ओला भी है तो वो लोग एक चार्जर इंस्टॉल करवा ले, मतलब कितना बेनिफिट हो जाएगा कि 1 घंटे में उनकी फुल चार्ज हो जाएगी। तो फिर ऑफिस जाना हो, कोई काम से जाना हो, अर्जेंट ही जाना हो, फास्ट चार्ज होके आप इजीली राइड कर सकते हो। तो ओला के ये स्टेप तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। हाँ, सर्विस के अंदर थोड़ा और फास्ट काम करना चाहिए, मतलब सर्विस सेंटर 600 से 800 से 1000, मुझे लगता है इस साल के अंदर इनको 1000+ सर्विस सेंटर बना देने चाहिए, क्योंकि सर्विस इशूज जो है वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के लिए। क्योंकि लोग अगर सर्विस से परेशान होता है तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बिल्कुल रुक जाती है, तो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि यार इस कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल तो लो ही मत। तो बस आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना ये जो चार चीजें अभी ओला इलेक्ट्रिक ने नई अनाउंस की है इनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी। बाकी ओला S1X 2, 3 और 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला जो वेरियंट है इन तीनों के बीच में कंपेरिजन में जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहना। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।